देवघर के मधुपुर में कांग्रेस पार्टी की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कई कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का हाथ थामा। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व गोड्डा सांसद फुरकान अंसारी ने किया। इस मौके पर गोड्डा सांसद ने कहा कि बीजेपी राम मंदिर का मुद्दा उठाकर युवाओं को भड़काने का काम कर रही है। फुरकान अंसारी ने बीजेपी पर प्रहार करते हुए कहा कि 4.5 साल में बीजेपी पार्टी ने राम मंदिर की कोई बात नहीं की और अब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो राम मंदिर का मुद्दा छेड़ वोट हथियाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मंदिर बीजेपी पार्टी बना ले, किसने रोका है? अस्पताल के लिए और सारी सरकारी योजनाओं के लिए बीजेपी विरोध के बावजूद जमीन अधिग्रहण करती है तो फिर राम मंदिर में पीछे क्यों है? उन्होंने कहा कि मंदिर बना लीजिए, किसने रोका है, लेकिन युवा सिर्फ इतना जानना चाहती है कि जिस नौकरी को दिलाने का बीजेपी ने वादा किया था वह कहाँ है? 15 लाख अकाउंट में देने की बात हुई थी, वो कहाँ है? फुरकान अंसारी ने कहा कि चुनाव नजदीक है, ऐसे में राम मंदिर का मुद्दा उठाया गया है ताकि युवा भड़के। अब गली में, चौक चौराहों पर, चाय की दुकान में, पकौड़े की दुकान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नजर आएंगे और वह युवाओं को राम मंदिर के नाम पर भड़काने जाएंगे, लेकिन युवा संयम बरते और सिर्फ एक ही सवाल करे कि विकास कहाँ है और नौकरियां कहाँ हैं। मंदिर और मस्जिद से युवाओं को कोई लेना देना नहीं है। भैया मंदिर बनाइए ना, क्या मतलब है? हम लोग को क्या रहना है, युवाओं को क्या मतलब है? अब बनाइए मंदिर, लेकिन जो वादा किए हैं नौकरी वाला सो कब पूरा करेगा सो आपको बोलिए। आप बोले थे कि हम जो है हर आदमी के खाता में 15-15 लाख रुपया डाल देंगे जब हमारी सरकार बनेगी। उसका क्या हुआ, उसका हिसाब दीजिए। आपने कहा था कि जब मेरी सरकार बनेगी तो हम 35 रुपया में डीजल और पेट्रोल बेचेंगे, उसका क्या हुआ, उसका जवाब दीजिए ना। मंदिर बनाइए, कौन रोका आपको, बना लीजिए। आज ही आप, और फिर चुनाव का जब महीना आ गया, चुनाव होने वाला 2 महीना में, तो आपको मंदिर सुनने लगा। 4.5 साल में आप मंदिर क्यों नहीं बनाए, क्यों नहीं आप जमीन अधिग्रहण कर लिया? सरकार सड़क के लिए अधिग्रहण कर सकता है, कोई बिल्डिंग बना रहा है, कोई हॉस्पिटल बन रहा है, उसके लिए जमीन अधिग्रहण कर सकता है, तो आप कानून बना के जमीन अधिग्रहण कर लेते। मंदिर बनाना नहीं चाहता है वो, वैसा ही बात होता है ताकि हिंदू भड़के, हिंदू समाज हमारा, हिंदू भाई जो है वो भड़के और वोट हमको ला के दे दे। इसलिए चुनाव के समय में ही इनको नाम याद आता है। और अब तो सिर्फ साधु संत ही राम की बात करता है, बीजेपी राम की बात नहीं करता, सिर्फ हिंदू की बात करता है। राम को कहां याद करता है वो दिन से? इसलिए मैं आप लोगों को खास करके युवाओं को बताना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों को बीजेपी जरूर पाला पड़ेगा। पकौड़ी की दुकान में, चाय की दुकान में, चौक पर, चौराहे पर, हर जगह आपको पाला पड़ेगा। उसको मुंह तोड़ आप लोगों को जवाब यही देना है कि काम की बात करो, मंदिर और मस्जिद अपने पास रखो। वो जब तुमको जब बनाना बना देना, काम में बना करके, हम लोग कोई इतराज नहीं है। हम लोग नौकरी कब मिलेगा, हमारे खाता में पैसा कब जाएगा, तेल का दाम कब घटाओगे, अच्छे दिन कब लाओगे,